तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज के नए ब्लॉग के अंदर। तो आप देख ही रहोगे यहाँ पर। और आपका नाम क्या? बकाराम जी। ग्रासिया? कौन से ग्रासिया हो? बुमबड़िया ग्रासिया। ये बकाराम जी बुमबड़िया ग्रासिया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? खेती कर रहे? अरे खेतों में पानी आ गया तो खेतों में पानी कर रहे हैं। और क्या बोया इसमें? सरसों बोया इसमें बकाराम जी ने। तो यहाँ पर ये खेती कर रहे हैं, देखो कितनी बड़ी खेती कर। इसमें देखो, आप इसमें देख ही रहे होंगे, देखो ये छोटी सी पगडंडी यहाँ से जा रही है आगे की तरफ। ये देखो तितली, आपको अलग अलग रंग मिलेंगी, आपको तितली देखने को मिलेगी। देखो ये, और इसमें सरसों बोया था, कितना इतना बड़ा बड़ा हो गया सरसों। और इसमें भी सरसों, अभी खेतों में पानी कर रहे हैं ना, अभी पहले खेती की थी। ये भी सरसों बो रखे थे, इतने बड़े बड़े हो गए। ये देखो पानी चल रहा है, देखो अभी खेतों में बकाराम जी कर रहे हैं। देखो और कितने बजे से पानी कर रहे हो खेत में? कितने बजे से पानी कर रहे हो? 10 बजे से। कितने बजे तक पानी चलेगा आप? 3 बजे तक पानी चलेगा? क्या बात करते हो। और खाना खा लिया का नहीं खा लिया? बना रहे हैं अभी। बना रहे? कौन बना रहे खाना? आपका भाई बना रहा है? और उसका भाई वो खाना बना रहा है। देखो सुबह भी खा रोटी बना रहे बाबूलाल जी। देखो देसी तरीके से आपको रोटी बना रहे, दिखा रहे हैं। सुबह खाना नहीं खाया, अभी सिर्फ ऐसे ही भूखे पेट ही काम करने लगे। अभी खाना खा के अभी 11:38 हो गए है। अभी खाना खाना भाई बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई खाना बना रहे। बड़ा भाई का क्या नाम है? बाबूलाल ग्रासिया। तो बड़ा भाई खाना बना रहे और छोटा गर्म हो गया तवा, थोड़ा गर्म हो गया। भाई देखो ये खेतों में पानी कर रहे। देखो खेतों में कितने अच्छे तरह से, देखो खेतों में पानी के पानी पिला है। खेतों में सरसों की खेती है ये। यहाँ पर देखो ये पूरा खेत आपको चारों तब आपको देख रहे हो हरे भरे नीम के पेड़। और पीछे आपको बड़ा सा पहाड़, पत्थर का पहाड़ भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखो। और आपका गाँव कौन सा है? तीन सारा गाँव पड़ता है। और यहाँ पर कब आए थे? एक महीना हो गया। हाँ। और ये कितना महीना रहोगे यहाँ पर? 4 महीना यहाँ पर रहोगे। हाँ। 4 महीने रह के यहाँ पर सरसों की खेती और ये गेहूँ की खेती बोल रखे खेतों में। तो यहाँ पर पूरा पकने के बाद खेत वापिस घर की तरफ जाएंगे, लेकर सब कुछ धान पका के सरसों को पका के फिर वापस घर की तरफ जाएंगे। और आपकी शादी हो गई कि नहीं? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई। कब करने वाले हो शादी? आपकी शादी अगले साल शादी करने वाले हैं। और ये आपके हाथ में क्या? इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? पावड़ा बोलते हैं, आदिवासी भाषा में इसको पावड़ा बोलते हैं। अच्छा सर, देखो ये देखो कितना, देखो पानी चल रहा है खेतों में अच्छे से, देखो कितने अच्छे से खेती कर रहे हैं। देखो देखो वहाँ पर बड़े भाई ने देखो वो सूला जलाया, वो नीम खड़ा इसी तरीके से। देखो रोटी बन रही है ऊपर तवे पे, भाई रोटी बना रहा है। ना ये छोटी सा कमरा है, अभी खाना बनाने वाले खाने में क्या बना रहे? डुंगली बटाका। क्या होता है डुंगली? मतलब बटाका तो मैं समझ रहा हूँ, डुंगली क्या होता है? प्याज को आपके पास में क्या बोलते हो? डुंगली।
और क्या क्या बनाते हैं? अरे हाँ, ये देखो भाई बता रहे उसकी भाषा में अलग अलग, देखो सब्जियों के भी अलग अलग नाम, सब आपको अलग अलग गांव जाओगे अलग अलग गांव में आपको अलग अलग भाषा सेंज होती है। पूरा देखो यहाँ से पानी पिलाया गया, अभी सुबह 10 बजे पानी आ गया था खेतों में। एक कुआ बना है, बहुत बड़ा कुआ है या गहरा कुआ है। अब देख रहे हो कितना पानी पड़ा था, कितना ये कुआ देखो यहाँ से पानी आता 10 बजे, लाइट आ गई थी। अभी कितने बजे पानी चलेगा? 3 बजे तक पानी चलेगा, फिर फ्री हो जाओगे 3 बजे, फिर वापस दूसरे दिन, हाँ फिर वापस दूसरे दिन खेतों में पानी पिलाएंगे। देखो देखो ये यहाँ का नजारा, चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो ये देखो रोटी बन के तैयार हो गई, देखो भाई ने पका ली पहले रोटी, ये दूसरी रोटी बन रही है अभी। तो अभी वीडियो हम यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं अभी। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।